जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, किस पर थे हम लोग? तो हम लोग इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो चुका था हम लोगों का, है ना। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, है ना। तो आइए हम लोग इसी पर चलेंगे, प्रकाश का परावर्तन पे, ठीक है ना। हम लोग का चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। यह हमारा होगा 7वां वीडियो। कौन सा होगा जी? 7वां वीडियो होगा, ठीक है ना। तो देखिए इससे पहले हम सभी जो है ना, जो हम लोग का पार्ट 6 हुआ था इससे पहले, तो उसमें हम लोग जो है ना प्रतिबिंब के बारे में जान चुके थे। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में कैसा बनता है, समतल में कैसा होता है, यानी कि उत्तल, अवतल, समतल तीनों में बनने वाले प्रतिबिंब का हम लोग किरण आरेख सीख चुके थे और बहुत ही अच्छी तरह से सीखे थे। और आप सभी का जो है ना कमेंट्स जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, दिल भर जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है ना सब दिन इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और करते रहेंगे भी, मुझे आशा है। तो चलिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिबिंब का परिभाषा। तो प्रतिबिंब कैसे कहते हैं, प्रतिबिंब कई तरह का होता है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। और प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या होता है भी जानने वाले हैं, बहुत यानी कि यूँ कहें कि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो आइए, तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहला क्वेश्चन होगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इमेज। देखिए इससे पहले प्रतिबिंब का परिभाषा सीखने से पहले हम सभी प्रतिबिंब ही पहले सीख चुके थे, ताकि इसलिए हम बताए थे पहले प्रतिबिंब ताकि हम लोग को आसानी होगा परिभाषा लिखने में। तो देखिए हम आपको क्या सिखाए थे कि हमेशा फिजिक्स को जो ना समझ के पढ़िएगा, ठीक है ना। फिजिक्स जो है ना रटने की चीज़ नहीं है एकदम। देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, पहले समझिएगा बात को, ठीक है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपको जो ना इस फिगर से आपको हम समझा देंगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट। हाँ तो चलिए देखिए, वस्तु को हम कहीं पे धरते हैं, चलिए यहाँ पे धरते हैं वस्तु को। तो क्या सीखे थे, कैसे हम लोग सीखे थे कल, कि जब प्रकाश किरणें इस वस्तु से यहाँ आती है यानी मुख कक्षीय समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद वह जो है ना फोकस से गुजरती है, फिर वो सी से आती है तो वह सी से ही लौट जाती है। इसे भी हम लोग पहले सीख चुके हैं। और जहाँ पर एक किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अब देखिए आपका ई हो गया वस्तु और आपका ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए सिंपल सी है, देखिए किस तरह से समझते हम लोग, किस या वस्तु हो गया आपका, है ना। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये आपका वस्तु हो गया जी, क्या हो गया वस्तु, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से आने वाले किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु से प्राप्त सरल रेखा जो है ना हमारा प्रतिबिंब होता है, हो गया परिभाषा, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटने, मतलब टकरा के जो लौटेगा परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, उस बिंदु से प्राप्त सरल रेखा प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए ध्यान से, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखे हैं, किसी वस्तु से आने वाली किरणें, देखिए वस्तु आपका हो गया, इससे आने वाली किरणें दर्पण से टकरा गया, तो टकराने के बाद क्या होता है, या परावर्तन होगा मतलब लौटेगा, ठीक है। तो किरणें परावर्तन के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, क्या होता है बाद, तो लौटने के बाद जिन बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु से प्राप्त जो सरल रेखा होती है आई बी, जो मेरा हुआ नहीं बोला आई और बी जो हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वही बात यहाँ पे हमने लिखा
कि जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु से प्राप्त सरल रेखा जो होती है वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और आपका यह प्रतिबिंब दो तरह से होता है, ठीक है ना, काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज। दूसरा हमारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको आप आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। चलिए, तो हम लोग क्या सीखे कि प्रतिबिंब कैसे कहते हैं। प्रतिबिंब हम लोग का दो तरह से होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक का मतलब हुआ कि दर्पण के आगे जो भी चीज दर्पण के आगे रहेगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा। जो दर्पण के पीछे होगा वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी कि पहला हमारा देखिए ये रहा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, सो क्या बोलते हैं लोग, रियल इमेज कहते हैं। तो क्या होता है वास्तविक, देखिए ध्यान से आपको हर चीज हम फिगर से ही समझाएंगे, ठीक है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ से किरणें आएगी और यहाँ से लौट जाएगी फोकस से, फिर वो यहाँ से आएगा, जिधर से आएगा उधर लौट जाएगा, सी से आएगा, तो इसी आपको पता है। तो यही हमारा यहाँ प्रतिच्छेद हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज कहते हैं। लेकिन यह जो है देखिए ध्यान से, यह आपका सब वास्तविक किरणें हैं, है ना। तो वास्तविक का मतलब हो गया, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, परिभाषा कि वास्तविक किरणों के कटने से, ठीक है, वास्तविक किरणों के कटने से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक का क्या हो जाएगा कि आभासी किरणों को, यानी आभासी किरणों के कटने से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं कि वास्तविक क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से कटने से। ठीक है, तो लिखिए जैसे आपका इच्छा हो, वास्तविक किरणों के, ठीक है ना, वास्तविक नहीं परावर्तित किरण, परावर्तित होगा ना, परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर प्राप्त सरल रेखा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए ध्यान से क्या लिखें, परावर्तित किरणों के, अब लगा दीजिए, ठीक है, परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से कटने से, ठीक है ना, कटने पर या कटने से प्राप्त जो सरल रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे क्या आ जा, चलो 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 चलिए, मेरा चलवा जो ना खाना खा के आ गया। ठीक है, तो आज जो है ना, आज का जो हम ब्लॉग बनाएंगे ना, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और देखिए वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है और वास्तविक चीज को हम लोग जो है ना पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, यानी कि बोल दीजिएगा सम्मुख, सम्मुख बनता है। हाँ, जो वास्तविक है इसको पर्दा पर लिख सकते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और यह जो है ना, यह उल्टा होता है,
देखिए ध्यान से, आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या होता है, सम्मुख बनता है। सम्मुख का मतलब है दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। उसके बाद इस प्रतिबिंब को, वास्तविक को हम लोग जो है ना पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि उसका जो है ना फोटो खींच सकते हैं, उतार सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जो वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, सम्मुख होता है, मतलब आगे होता है। यह आपको क्या था, वास्तविक था। और नीचे जो है ना परिभाषा इतना लिखने के बाद जो है ना, आप जो है ना एक वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर बना दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। फिगर नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वास्तविक जो हमारा पाँच गो प्रतिबिंब था, उनमें से कोई एक बना दीजिए। चलिए यहाँ पे वस्तु को धरते हैं, बस कृष्णो बना दीजिए ना, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कट गया आई भी, बस फिगर बना के छोड़ दे, काम खत्म। ये हमारा क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हुआ, और वास्तविक क्या होगा, प्रतिबिंब का फिगर हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते काल्पनिक पर। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। काल्पनिक क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, काल्पनिक आप उतल लीजिए या अवतल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अवतल ही लेते हैं। देखिए आपका जो है ना एक अवतल दर्पण ही एक ऐसा एकलौता दर्पण है जिसमें कि आपका वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। अवतल में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और आप सभी को याद होगा अच्छी तरह से कि आप सभी पार्ट सिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। फोकस से आ गया, और एगो तो यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा तो इधर जाएगा तो इधर कटेगा नहीं, है ना। और यह सभी चीज़ जो है ना आपको हम पार्ट वन में सिखा दिए हैं, सॉरी वन बोलते हैं, पार्ट सिक्स में। ये हो गया बी, और यह आपका हो गया आई। ये आपका क्या था, काल्पनिक था। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और क्या बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। देखिए वस्तु जैसे ऊपर में, ये भी ऊपर में है ना, सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना परावर्तित किरणों के, काल्पनिक किरणों के कटने से ही बनता है। तो क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि परावर्तित किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर कटने पर प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिएगा ध्यान से क्या लिखे हैं, कि परावर्तित किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर, या परावर्तित किरण है ना, इसको क्या किए हम लोग, आभासी रूप से पीछे बढ़ाएं, क्योंकि आगे तो यह कटेगा नहीं, आगे नीचे इधर चला जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर, जहाँ कटेगा, बढ़ाने पर कटने पर प्राप्त प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। बढ़ाने पर कटने पर प्राप्त प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और देखिए यह प्रतिबिंब जो है ना, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एवं कैसा बनता है, सीधा बनता है। और देखिए काल्पनिक को हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते, क्योंकि वो काल्पनिक ना है, बोलेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि नहीं उतार सकते पर्दे पर। तो आपका यह रहा आपका प्रतिबिंब का परिभाषा था, और प्रतिबिंब हम लोग का हुआ था दो तरह का, एक हुआ था वास्तविक, एक हुआ था आपका काल्पनिक। अब जानते हैं दोनों प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक में, एकदम ध्यान से देखना है।
अगर आपको यह परिभाषा अगर दिमाग में आ गया होगा तो आप आसानी से जो है ना इसका अंतर को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बहुत ईजी है, इतना कुछ है नहीं। देखिए, वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। चलिए देखिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में किन्हीं दो अंतरों को लिखें या किन्हीं तीन अंतरों को लिखें, ठीक है ना। वहाँ पे पूछेगा कितना अंतर लिखना है, लेकिन आपको हम पूरा अंतर बता देते हैं कि इसमें कितना कितना अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए, एक बार लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, एक बोल क्या लिखना है आपको काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी लिखिए। इंक तो खत्म हो गया इसका, इसे बढ़ते हैं पूरा ब्लैक वाला। तो चलिए, पहला क्या होगा अंतर, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको जो हम इसका परिभाषा लिखा है ना, उसी से बहुत सारा इसका अंतर निकल जाएगा। तो पहला अंतर क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक किरणों के कटने से बना था, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या था, काल्पनिक किरणों के कटने से बना था। बिल्कुल सिंपल है, क्या बोलेंगे, वास्तविक है ना, लिखिए वास्तविक किरणों के कटने से बनता है। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक जो है ना वास्तविक किरणों के कटने से बनता है। इसमें सिंपल है कि यह प्रतिबिंब, यह मतलब काल्पनिक हो जाएगा ना, यह प्रतिबिंब आभासी किरणों के कटने से बनता है, ठीक है। चलिए अब नंबर दो में देखिए, बिल्कुल सिंपल है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, सम्मुख बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बहुत ही सिंपल है, क्या बोलेंगे, यह प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनता है। हो गया, कुरान एक भर दिया कान मारकर। चलिए अब नंबर दो, इधर देखिए, आपका जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सम्मुख बनता है। सम्मुख का मतलब दर्पण के सामने बनता है। अब इसमें देखिए, बोलेंगे यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हो गया, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए आगे बढ़िए, और हम लोग क्या सीखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें क्या सीखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इधर क्या लिखेंगे, नंबर तीन में, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। बस हो गया। अब देखिए और खोजिए इसमें क्या मिलेगा। हाँ, और एक यहाँ पे है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक जो है ना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो क्या बोलेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी वस्तु का उल्टा बनता है। और इधर आ जाइए, यह प्रतिबिंब
सीधा बनता है। चलिए, चार अंतर काफी हो गया और मुझे उम्मीद है कि ये सभी अंतर जो है ना आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे यह प्रतिबिंब वास्तविक जो है ना, यानी वास्तविक, यह का मतलब वास्तविक हो गया आपका, और यह प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटने से बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटने से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक यानी कि आभासी किरणों के कटने से बनता है। अब देखिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख होता है यानी दर्पण के आगे होता है, और यह प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, पीछे होता है, काल्पनिक वाला। और देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं, और काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, सिंपल है। और देखिए, यह हमेशा वस्तु का क्या होता है, उल्टा बनता है, और यह हमेशा वस्तु का क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो आज का जो है ना बस वीडियो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा मानेंगे नहीं क्योंकि टाइम तो थोड़ा बहुत ही कम बचता है हम लोग के पास, अपना भी खुद पढ़ना पड़ता है। तो मिलते हैं हम लोग कब, कल मिलेंगे। आज तो पार्ट कितना था, 7 था, मिलेंगे पार्ट 8 में। जल्दी से अब 2-3 पार्ट में जो है ना हमारा जो है ना जितना लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका जो बुक है भारतीय भुवन जो भी बुक है आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।